आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम तैयार कर रहे हैं ब्रोकोली और पनीर की हाई प्रोटीन रेसिपी। इजीली बन जाने वाली है। जो हेल्दी खाना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं और अपनी डाइट को अच्छा रखना चाहते हैं, जिसमें कि प्रोटीन्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट सब चीज़ हो, वो इस रेसिपी में मौजूद है। इसको स्नैक्स के टाइम में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको डिनर टाइम में यूज़ कर सकते हैं, जब भी मन करे खाने का कि भूख लगी है, आप ये हेल्दी बना के खा सकते हैं। चलिए तो मैं दिखा देती हूँ कि ब्रोकोली पनीर के शामी कबाब यानी कि वेज कबाब मैंने किस तरह से तैयार किए हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने एक ब्रोकोली का पीस ले लिया है। इस तरह से आप गठा हुआ लेना है। तो सबसे पहले इसके हम ये पत्ते हैं इसके ये निकाल लेंगे, इसको हम यूज़ कर लेंगे। सिर्फ पत्ते पत्ते आपने इसके यूज़ करना है, जो डंठल है वो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह से सारे पत्ते हम निकाल लेंगे। यहाँ हम इसके डंठल को इस तरह से बीच में से भी काट देते हैं और इसको एक किनारे कर देते हैं। और जितने भी फ्लोरेट्स हैं, जैसे आप फूल गोभी काटते हैं वैसे आपको काट लेना है। तो सारे हम इस तरह से तोड़ लेंगे। इस तरह से बहुत सिंपल है इसको तोड़ना। यहाँ हमने सारे जो इसके फूल हैं इसके तोड़ लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो इसको बीच का हिस्सा है ना उसको भी हम निकाल लेंगे। आप उसको स्टॉक में यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल स्टॉक बना के रख सकते हैं या आप सूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको पूरा इसके ये तोड़ लिए हैं। बस सिंपल है, इसका बीच वाला हिस्सा हम यूज़ कर लेंगे। इस तरह से पूरे को हटा देंगे। ये इसका पार्ट सॉफ्ट होता है तो ये यूज़ हो सकता है, आप इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आप धो के अच्छे से स्टॉक बना सकते हैं, इसको आप सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ भी इसमें फेंकने वाला नहीं होता है। यहाँ हमने एक वेसल ले लिए, उसमें हमने पानी डालना है। थोड़ा ही पानी हम इस्तेमाल करेंगे। हमने ब्रोकोली को धो लिया है पत्तों के साथ, इसको हम यूज़ करेंगे और ये सारे पत्ते भी इसमें डाल देते हैं। और इसको ढक के हम 7-8 मिनट के लिए बस बॉईल करेंगे। इसको हम ढक के बॉईल कर लेते हैं। यहाँ हमने एक छोटा चॉपर ले लिया है, इसमें हमने 2 प्याज डाल देनी। छोटी छोटी प्याज है, आप 2 से 3 ले लीजिएगा, बड़ी हो तो 1 ले लीजिएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में रफली कट करके डाल देते हैं। यहाँ हमने 2 हरी मिर्च ली है, उसको भी टुकड़ों में कर लिया है, चॉप कर लेते हैं। बहुत आसानी से इसमें हो जाता है। ये चार्जेबल है, इसको मैंने अमेजोन से लिया था। ये हमने इसको चॉप कर लिया है, इसको हम मिक्सिंग बोल में डाल देते हैं। थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल रहे हैं, थोड़े से हम रोल्ड ओट्स डालेंगे, 1/4 कप मैंने लिए हैं। थोड़ा सा हमने ग्रेटेड पनीर लिया है फॉर प्रोटीन कंटेंट। नमक डाल रहे हैं हम अकॉर्डिंगली, आपने डाल लीजिएगा। काली मिर्च, गरम मसाला। ब्रोकोली बॉईल हो चुकी है, इसका पानी हमने अलग कर दिया। इसको आप फेंकिएगा नहीं, इसको आप सूप में या करीज में कोई भी ग्रेवी वाला चीज़ बनाते हैं उसमें आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ हम हल्का ठंडा हो चुका है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे काट लेते हैं, आसानी से कट जाएगा। देखिए बहुत सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरह से हम सारा काट लेते हैं। ये सारा ब्रोकोली इसमें हम डाल देते हैं। एक अंडा ले लिया है, इसको हम तोड़ के डाल देते हैं। ब्रोकोली हम सारी डाल चुके हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून टोमेटो केचप डाल रहे हैं। क्रंचीनेस के लिए हम राइस फ्लावर डाल रहे हैं। अगर राइस फ्लावर ना हो तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। अब अच्छे से एक बार दोबारा से इसको मिक्स करेंगे, टिक्की तैयार करेंगे, क्योंकि अच्छे से बाइंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने अंडा डाला है और राइस फ्लावर डाला है, उससे बाइंडिंग हो जाएगी। तो इस तरह से सारी टिक्कियाँ बना के हम हल्के ऑयल में या घी में या ऑलिव ऑयल में आप किसी में भी इसको बनाइए, तैयार कीजिए। तो मैं आपको कर दिखाती हूँ। 1 चम्मच घी डालेंगे पैन में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से हमारी ब्रोकोली पनीर टिक्की तैयार हो चुकी है, कितनी क्रिस्प है। मैं आपको सर्व कर दिखाती हूँ। बढ़िया से हमारे ब्रोकोली और पनीर के शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। ज़रूर बनाइएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ। बहुत हेल्दी, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर रेसिपी है, सबको बहुत पसंद आएगी। जो हेल्दी खाना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, उनके लिए परफेक्ट रेसिपी है। बनाइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, और हमें फीडबैक का आपके इंतज़ार रहता है। चलिए तो अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शैलाज दस्तरखान।